व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय। और काफ़ी दुविधा है लोगों के मन में कि सैमसंग गैलेक्सी A20 जो लॉन्च हो गया मार्केट में फिलहाल, नया नया फ्रेश अवेलेबल है 12,500 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे, वो लेना चाहिए या फिर कई सारे स्मार्टफोन जो इस महीने लॉन्च होने वाले हैं बाकी ब्रांड्स के द्वारा, वो उनके लिए ऑप्ट आउट करें। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A20 को इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme 3 Pro के साथ, जो कि सिर्फ इससे 500 रुपये महंगा होने वाला है, यानी 13,000 के प्राइस पॉइंट पे इसी महीने लॉन्च हो जाएगा। तो देखते रहिए आगे। सब्सक्राइब कीजिए नथिंग गीक को और पाइए डेली टेक वीडियोज एकदम मुफ्त। सो गाइस, पहले डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही फोन्स का डिज़ाइन ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आएगा, यानी आपको मिलेगा एंड टू एंड डिस्प्ले, जो कि एक बढ़िया बात है। डिस्प्ले का साइज भी सिमिलर होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेगा Realme 3 Pro में 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले, वहीं आपको Samsung Galaxy A20 में मिल जाता है 6.4 इंच का HD+ डिस्प्ले। अब डिस्प्ले फुल HD नहीं है, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि सैमसंग ने दिया है इसमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले, जो कि एक सैमसंग का USP रहा है काफ़ी टाइम से। तो दोनों ही डिस्प्ले में आप कलर्स इतनी नॉर्मल आईज से आप नहीं बता पाएंगे कि भाई इतना ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं, दोनों के ही कलर्स आपको बढ़िया मिलेंगे। सो ओवरऑल इफ़ वी टॉक अबाउट डिज़ाइन, आपको सिमिलर ही दिखेंगे फ़ोन, आप ज़्यादा इसमें नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, फिर भी यहाँ पे Realme 3 Pro थोड़ा सा बेटर माना जाएगा। उसके बाद कैमरा की बात करें तो Realme 3 Pro में 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, वहीं Samsung Galaxy A20 में आपको मिल जाता है 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा। कैमरा क्वालिटी दोनों की ही बराबर यहां पे मिलेगी, क्योंकि Samsung ने अपर्चर साइज थोड़ा सा बेटर दे रखा है f1.9 अपर्चर। अब ये 1.9, 1.8, 1.7 जितना ही कम होता जाता है उतना ही अपर्चर साइज बड़ा रहता है, आपकी लाइट ज़्यादा आती है और कैमरा उतना ही बेटर हो जाता है। लेकिन जो Realme 3 Pro जैसे स्मार्टफोन्स की खासियत रहती है कि ये लोग फोकस रखते हैं आपके सेल्फी कैमरा पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बढ़िया 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, वहीं Samsung आपको देता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। सो अगेन, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेल्फी स्मार्टफोन, Realme 3 Pro अगेन आपका एक स्टेप अहेड है Samsung Galaxy A20 से। वहीं आप परफॉर्मेंस पे आ जाएं तो अगेन Realme 3 Pro अहेड है Samsung Galaxy A20 से। रैम ज़्यादा है यहाँ पे, 4GB रैम मिल जाती है Realme 3 Pro में। उसके साथ ही साथ आपको लेटेस्ट Snapdragon का 675 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 660 प्रोसेसर पे इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी थिन प्रोसेसर है, 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर मिला है, यानी फास्ट चलेगा, हीट कम होगा और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देगा। और गाइस, एक खास बात है 675 प्रोसेसर की कि इसमें आपका जो कैमरा सेंसर है वो ऑल्दो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया आपका 16+5 का सेंसर है, लेकिन वो इमेज को जोड़ जोड़ के बेटर इमेज प्रोवाइड करके 48 मेगापिक्सल की इमेजेस भी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि Samsung Galaxy A20 के Exynos 7884 में Exynos के प्रोसेसर Samsung ही बनाता है। अच्छा प्रोसेसर है लेकिन इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। साथ ही साथ Samsung A20 में मिलती है 3GB रैम। अब आजकल के टाइम में गाइस 4GB रैम से नीचे आपको सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 3GB रैम के साथ ओवरऑल लंबे टाइम में थोड़ी लिमिटेशंस आएंगी, फ़ोन वोंट बी दैट फास्ट। सो परफॉर्मेंस में अगेन Realme 3 Pro is a winner। अब बैटरी की बात करें, इसमें 4235 mAh बैटरी मिल जाती है, 4000 mAh बैटरी मिल जाती है Samsung में। सो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, और दोनों में ही आपको फास्ट चार्ज भी मिलता है। सो बैटरी में हम यहाँ पे दोनों को इक्वल ही रखेंगे। तो यहाँ पे Realme 3 Pro जीतता किस में है, अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, और यहाँ पे Samsung Galaxy A20 किस डिपार्टमेंट में विनर है, सिंपल सी बात है, एक ब्रांड नेम में, एक ट्रस्ट में अभी भी मार्केट में Samsung का ज़्यादा है, और 500 रुपीज़ इसका प्राइस पॉइंट भी कम है। तो मेरी मानिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, Realme 3 Pro आने दीजिए मार्केट में, उसके प्रॉपर आप रिव्यू देखना, प्रॉपर बाकी चीज़ें देखना। और अभी तक जो अगर स्पेक्स के दम पे हम चलें तो Realme 3 Pro एक बेटर एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन्स की सिमिलर है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और एक बेटर डिवाइस को यहाँ पे चुनिए दोस्तों। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम एक बढ़िया कंपैरिजन के साथ।